Are you planning to file for a study visa to Canada soon? You might want to take a note of this case that I'm presenting in front of you. You can see the federal court seal on the screen. And the name of the client is Tashil Etwaru. He's from Mauritius and he applied for study visa. He was refused. And then he went for a judicial review in the federal court. Should I continue this in Hindi? I think कई बार लोगों ने मेरे को कहा है कि आप इंग्लिश छोड़ें, आप हिंदी में बात करें. हिंदी हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आती है और हिंदी में हमें थोड़ा मज़ा भी आता है और हिंदी में बात क्लियर हो जाती है. इंग्लिश हमें जमती नहीं है फॉर सम रीज़न. तो हम चलो इसको हिंदी में बात करते हैं. अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वाले हो कैनेडा का और आपके पास पैसे नहीं हैं पूरे, है क्या चक्कर के स्टडी वीजा में फाइनेंशियल सफिशिएंसी कहते हैं, जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि 1 साल की फीस तो हमें चाहिए चाहिए. टिपिकली अगर 15,000 फीस होती है तो 15,000 बने आपके करीब करीब 7.5 लाख, और साथ में जीएसटी भी चाहिए, 25,000, तो ये हो गया. तो अगर इतने पैसे अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या होगा, तो स्टडी वीजा नहीं मिलेगा. और यही केस है, हम देख रहे हैं, देखेंगे इस पे कि इस केस में क्या हुआ कि इन्होंने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया तैशील एटवायरू ने. इनके पास अपने पैसे नहीं थे लेकिन इन्होंने अपने किसी अंकल से पैसे लिए, और अंकल से पैसे लेने के बाद वीज़ा ऑफिसर ने, केस बहुत लंबा है, मैं हर एक पेज के वो लाइन नहीं पढ़ूंगा लेकिन जो रेलिवेंट मैंने आपके लिए मार्क कर रखे हैं. नंबर 2 पे देखिए कि वीज़ा ऑफिसर ने एरोनियसली, रॉन्गफुली, एरोनियस मतलब गलती से, गलती करी है कि एप्लीकेंट हैड इनसफिशियंट फंड्स टू सपोर्ट स्टडी. जबकि एप्लीकेंट कह रहा है कि मेरे अंकल मेरे फीस देने को तैयार है, उन्होंने एक एफिडेविट भी दे रखा है कि हम आपका खर्चा सारा देंगे, लेकिन एप्लीकेंट के खुद पास अपना पैसा नहीं था. तो लेकिन वीजा ऑफिसर ने कहा नहीं, आपको हम वीजा नहीं देंगे, तो इन्होंने जाके चैलेंज कर दिया कोर्ट में. ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं. फैक्ट्स थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर दें आपको. एप्लीकेंट इज नंबर 4 पे पढ़ रहे हैं. एप्लीकेंट इज अ 26-year-old सिटीजन ऑफ मॉरिशस. अक्टूबर 1, 2019 को इन्होंने एक एक्सेप्टेंस लेटर लिया. 2 ईयर का कोर्स था, कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन डिप्लोमा एट फैनशॉ कॉलेज इन ओंटारियो, और उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया वगैरह वगैरह. लेट्स जंप टू द मेन मीट ऑफ द प्रॉब्लम, जहाँ पर ये प्रॉब्लम शुरू हुई. मैंने इसको ये 15-15 पे अपने मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है. ये देखें, नंबर 15 पे हम पढ़ रहे हैं. ऑफिसर, वीजा ऑफिसर ने एक्नॉलेज किया कि अपडेटेड इंफॉर्मेशन, दोबारा से डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो उन्होंने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फंड्स जो अंकल ने इनको दिया था वो दोबारा से भेजे. लेकिन ऑफिसर साहब ने समझा कि ये जो फंड्स आए हैं ये थर्ड पार्टी फंड्स है, मतलब आपके अपने नहीं है, किसी और के हैं, और अंकल जो है आपके अगर विड्रॉ कर लेंगे तो आपको क्या होगा, तो आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, इसलिए हम उसको, उस फंड्स को हम नहीं कंसिडर करते. ये वीजा ऑफिसर ने कहा है. ठीक है, 15 आपने देख लिया पैराग्राफ पे. ये दोबारा उन्होंने कहा, ये दोबारा हाईलाइट कर दिया मैंने आपको कि थर्ड पार्टी फंड्स कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम एंड अनक्लियर व्हाट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन स्पॉन्सर है. डेट मीन्स कि उस अंकल ने जो ये पैसे दे रहे हैं, पता नहीं उनके पास कितनी लाइबिलिटी है, कितना डेट है, उसका हम भरोसा कैसे कर सकते हैं. तो ये वीजा ऑफिसर की सोच है. तो ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ. नंबर 19 पे देख रहे हैं कि एप्लीकेंट ने एक अंकल से, अंकल का नाम है कमाल अटवारू. कमाल अटवारू के अंकल है, ये नहीं लिखा इसमें कि अंकल इनके कनाडा रहते हैं, मॉरिशस में रहते हैं, लगता है मॉरिशस रहते हो. तो अंकल जी ने कहा कि हमारे पास काफ़ी पैसे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल, विलिंग टू सपोर्ट इज नेफ्यू स्टडीज इन कनाडा. द अंकल स्टेटमेंट वॉज अकम्पनीड बाई डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द सपोर्ट सच एज मिस्टर कमाल अटवारूज आइडेंटिफिकेशन एंड बैंक स्टेटमेंट्स. तो उन्होंने एक एफिडेविट लीगल करके दे दिया अपना. ठीक है, आगे देखिए कि एक और केस का हवाला देते हैं. जैसा आप कहते हैं कि एक दूसरे केस का नाम, जिसमें था आयोला वर्सेस कैनेडा. आयोला वर्सेस कैनेडा में भी ऐसा हुआ था कि उस केस में एप्लीकेंट जो था उसके ब्रदर, उसका जो ब्रदर ने एक फाइनेंशियल सपोर्ट लिया था अपने इसका मिस्टर आयोला का कि हम इसको देंगे. तो ये एप्लीकेंट एप्लीकेंट के जो जिसने चैलेंज किया है इसमें, जो जुडिशियल रिव्यू लेके आया, उसने, उसके वकील ने इसको जज के सामने बताया कि देखिए पुराने केस में भी ऐसा हो चुका है. आयोला वर्सेस कनाडा में भी उनके ब्रदर ने अपने पैसे शो करे थे और उस केस में उनको वीजा मिल गया था. तो ये आप ये मतलब कि उस केस में
जो चैलेंज होकर जो बात निकली थी कि वीजा दे दिया जाए, क्योंकि उस केस में उसके ब्रदर ने सपोर्ट किया था, तो ब्रदर के फंड्स मान लिए गए थे, तो हमारे केस में अंकल के फंड्स क्यों नहीं मानते हैं? तो ये इसमें पैरा नंबर 20 है। लेट्स गो टू 22nd के जो इस केस में जज ने कहा है कि आपकी जो रीजनिंग है, वीजा ऑफिसर की रीजनिंग है, गवर्नमेंट के काउंसिल को कहा कि रीजनिंग है कि अंकल ने फंड्स विड्रॉ कर लेने हैं, दिस इज स्पेकुलेटिव, पता नहीं करें नहीं करें, लेकिन आप सोच रहे कर लेंगे, दिस के नॉट बी द बेसिस ऑफ द रिफ्यूजल, और इसका कोई रैशनल नहीं है, वीजा ऑफिसर का कोई रैशनल नहीं है कि विड्रॉ कर लेंगे। तो ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि जज इसको सही नहीं समझते। नंबर 28 एंड दैट्स द रीजन व्हाई द वीजा शुड बी इशूड, दैट मीन्स द केस शुड बी रीडिटरमाइंड, नॉट द इशू ऑफ कोर्स, दोबारा से जाएगा किसी और के पास। तो एप्लीकेंट, ये जो वकील ने कहा है कि एप्लीकेंट जो जिसका स्टडी वीजा चाहिए, मिस्टर अटवाड़ू, ही इज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ अंकल हु इज विलिंग टू फंड स्टडीज इन कनाडा सो दैट ही मे ऑब्टेन क्रेडेंशियल्स दैट आर हाईली वैल्यूड इन मॉरिशस, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी कुछ है। आगे इन्होंने वीजा ऑफिसर में और भी लॉजिक से अटैक करने की कोशिश करी थी इसकी, कि भाई वो वापस क्यों नहीं वापस आएगा, मॉरिशस पे नहीं है, इसकी कोई सेटलमेंट नहीं है, ये मतलब इसको क्या रैशनल है कि वापस आके इसको जॉब मिलेगा, इस तरह का जो भी कुछ है इसने पूछा। लेकिन जज साहब ने कह दिया कि ये सब ये बातें बेकार की हैं, हमारा जो आज का मुद्दा वो है पैसे का, बाकी के जो फैक्टर्स हैं, वापस आएगा नहीं आएगा, इससे कुछ लेना देना नहीं है। और ये एक स्टीरियोटिपिकल एक बात है, देखिए इसमें लिखा भी है, दिस रीजनिंग इज एब्सर्ड एंड परपेचुएट स्टीरियोटाइप, मतलब कि इस कंट्री के लोग वापस नहीं आएंगे और वगैरह वगैरह, कि इनको टिपिकली इनको हायर एजुकेशन देने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो ये सब जुगाड़ करते हैं, उसके बाद ये वापस आएंगे नहीं आएंगे, यू के नॉट स्टीरियोटाइप के वे आएंगे नहीं आएंगे। इसको लोअर इनकम बैकग्राउंड का है, इसको फंड्स मिल गए हैं, उसने फाइनेंस किया, आपने कहा कि इसके पास पैसे नहीं है, पैसे अंकल के पास है, तो इसको आपने मना कर दिया, दैट इज अनरीजनेबल, ठीक है, अनरीजनेबल। तो इसलिए द कंक्लूजन इज के आई देयरफॉर अलाउ दिस एप्लीकेशन फॉर जुडिशियल रिव्यू, तो इन्होंने इसको मान लिया है और इसको दोबारा एक दूसरे जज दूसरे सॉरी वीजा ऑफिसर के पास भेज दिया है। तो ये जजमेंट का लिखा हुआ है, जजमेंट एप्लीकेशन इज अलाउड एंड दैट्स इट। सो इस केस के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको गूगल पे जाके ऐसा जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको आप कॉपी पेस्ट करके आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और मैं इसकी एक लिंक भी सब मैं अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। इससे हमने सीखा क्या है, एक्चुअली इस केस से हमने क्या सीखा, हमारा पर्पस क्या है इस केस को डिस्कस करने का, कि आपके पास अगर अपने पैसे नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपके कोई स्पॉन्सर मिलता है जिसके पास पैसे हैं और आपकी अंडरटेकिंग वो ले रहा है, तो ये कोई फैक्टर नहीं हो सकता वीजा ऑफिसर को कहने के लिए कि आपके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये इस केस की, अगर आप कभी भी आपका रिजेक्शन होता है इस बेस पे, तो आप इस केस को मेंशन करके हुए आप चैलेंज कर सकते हैं, अपने वकील को कंसल्टेंट को कहें कि इस केस को मेंशन करके आप उसको दोबारा से रीअप्लाई करें या रिबट करें या रिकंसिडर करें, या आप उस जुडिशियल रिव्यू में जाएंगे तो जीत जाएंगे इस केस का, बिल्कुल अगर एग्जैक्टली ऐसा हो तो। सो यही मेरे को आपको केस बताना था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर कमेंट्स आपके हैं तो जरूर मैं पढ़ता हूँ, सबके मैं जवाब दे नहीं सकता लेकिन मैं पढ़ता जरूर जरूर कमेंट्स लिखें। और अगर आपका कोई केस है जो रिफ्यूज हो गया है, कोई ऐसा कोई अपील टाइप केस है, तो आप मेरे को अलग से ईमेल कर सकते हैं और मैं अपने जो डेटाबेस है उसमें देखूंगा कि अगर पुराना कोई केस है जो आपसे मैच करता हो आपकी कंडीशन से, उसको लेके आप चैलेंज कर सकते हैं, तो मैं उसकी रिसर्च करके आपको जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, गुड बाय।